हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एन अदर वीडियो। एंड गाइस, आज हमारे पास है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का वायरलेस चार्जर, जिससे कई सारे स्मार्ट वॉचेज है वो लगभग चार्ज हो जाती है। तो ये वायरलेस चार्जर है, तो इसके जो वायर है वो निकल चुके हैं यहाँ से, एंड यहाँ पर इसको आज हम फिर से कनेक्ट करने वाले हैं, फिर से इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये खुल चुका है, मैंने पहले भी इसको खोला था, तो यहाँ पर ये आसानी से यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पर इसमें माइनस प्लस का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, तो कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिएगा वीडियो को जूम करके यहाँ पर, एंड यहाँ पर HD क्वालिटी करके आपको देख लेना है कि कौन सा वायर है वो कौन सी साइड कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान में रखना है, माइनस और प्लस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो मैंने कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट किया है यहीं देख के यहाँ पर आपको मेजर करना है कि आपको कौन सा वायर है वो कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो मॉड्यूल है एंड जो वायर है उन दोनों को स्टेबल कर लेना है। मैंने यहाँ पर डबल टेप से दोनों को एक बार चिपका लिया है ताकि बाद में ये हिले नहीं। अगर ये हिलेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सोल्डरिंग है एंड यहाँ पर जो टंकी हम लगाएंगे वो सही से नहीं लग पाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले स्टेबल कर लेना है, तभी यहाँ पर जो सोल्डरिंग है वो सही से हो पाएगी एंड जो दोनों है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड वायर के कनेक्शन है वो आप देख लीजिए कौन सा साइड में मैंने कौन सा वायर है वो कनेक्ट किया है। तो अभी यहाँ पर इसके टांके अपन लगा देते हैं, देन ये फिर से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मेरे को ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है टांके लगाने का, मैं नई हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा। तो टोटली यहाँ पर जो है वो टांके लग चुके हैं एंड यहाँ पर ये फिर से ऑन हो जाएगा अभी। तो चलिए यहाँ पर कुछ ट्राई करके देखते हैं कुछ कि अभी ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। हालाँकि टांके हमारे बिल्कुल सही तरीके से लग चुके हैं, तो चलिए अभी इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको चार्जर में लगाएंगे एंड देन यहाँ पर इससे जो अपना वॉच है वो इसको चार्ज करके देखेंगे। तो अभी हमारे पास स्मार्ट वॉच है नहीं, तो अभी हमारे पास एक ईयरबड का केस है रिपेयरिंग के लिए आया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी वायरलेस सिस्टम लगाया गया है, तो इस पर चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रहा, लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ पर जो लाल कलर का लाइट है वो जलना स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे ही हम इसको फिर से अलग करेंगे यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ईयरबड का केस है वो वायरलेस तरीके से यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप इसको रिपेयर है वो कर सकते हैं।